आगरा पुलिस ने कैसे वाहन चोर गिरोह के सदस्य को पकड़ा है जो चंद सेकंड के अंदर लग्जरी गाड़ियों के ताले चटका कर फरार हो जाता था। थाना हरि पर्वत वार्ड टीम सर्वेलेंस टीम के साथ मिलकर 50,000 का इनामी बदमाश सुधान सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इस पर 51 मुकदमे दर्ज हैं। बीते दिनों पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा किया था। इस गैंग का सरगना सुधान सिंह फरार था। पुलिस वार्ड टीम और सर्वेलेंस के साथ में मिलकर 50,000 का इनामी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर आगरा के साथ अलग अलग जिलों में लगभग 51 मुकदमे दर्ज हैं। यह गैंग चंद सेकंड में लग्जरी गाड़ियां चोरी करता था और उनको कम दामों में जिले से बाहर बेच दिया करता था और फिर इस वाहनों को अपराध करने के काम में इस्तेमाल किया जाता था। डीसीपी सिटी सूरज रॉय कुमार ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर टीम ने कार्रवाई की है। सुधान सिंह की गिरफ्तारी करने के लिए टीम कई दिनों से लगी हुई थी। वहीं सुधान सिंह पर कई मुकदमे दर्ज हैं। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब तक इसका नेटवर्क फैला हुआ था। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 51,000 का अपराधी है गिरफ्तार किया है। क्या मामला था? देखिए, थाना हरि पर्वत पुलिस द्वारा विगत दिनों एक बहुत बड़े अंतर्राज्यीय गैंग को पकड़ा गया और इसमें भारी मात्रा में बरामदगी हुई। ये अंतर्राज्यीय गैंग जो यहाँ दिल्ली एनसीआर और आसपास आगरा के आसपास के इलाकों से गाड़ी को लग्जरी गाड़ियों की चोरी करता था और उसको देश के अन्य राज्यों में ले जाकर बेच के धनार्जन करता था। इसमें विगत कुछ महीनों में 16 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसी क्रम में थाना हरि पर्वत और सर्विलांस टीम कमिश्नरेट आगरा ने एक और अभियुक्त सुजान सिंह उर्फ गोटिया जिसपे 50,000 रुपये का रिवॉर्ड और इसके विरुद्ध लगभग 51 मुकदमे उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में पंजीकृत हैं उसकी गिरफ्तारी की। अभियुक्त को जो भी पहले की FIRs हैं उसमें इसका नाम खोलते हुए रिमांड के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या मतलब है सर, कितनी गाड़ियां ये गिरोह चुरा चुका होगा? देखिए, पहले भी बहुत बड़ी मात्रा में बरामदगी हुई है। 51 मुकदमे मेरे द्वारा अभी बताया गया कि ये ऑलरेडी तमाम पुलिस स्टेशन पे रजिस्टर्ड हैं उनके खिलाफ, तो सेफली अज्यूम किया जा सकता है कि लगभग 100 से ज़्यादा सैकड़ों की संख्या में इन्होंने वाहन चोरी किए हैं और उसको देश के तमाम पार्ट में इन्होंने बेचा है। ये तरीका क्या रहता था सर गिरोह का, किस तरीके से पूरा ही नेटवर्क अपना चला रहे थे देश के सभी राज्यों में? देखिए, जो पास्ट में जो रिकवरी हुई है उसमें इसमें लॉक तोड़ने वाला सिस्टम भी इनके पास से बरामद हुआ और उसमें पूछताछ करने में जानकारी में आया कि इसको चाइना से इन्होंने इम्पोर्ट किया था। ये ऐसा सिस्टम था जिससे जो भी व्हीकल का लॉक होता है उसको तोड़ते थे, जो ऑटोमेटिक लॉक होता है उसको डिसेबल करके, और उसके बाद ये गाड़ियों को चोरी कर लेते थे। किन किन राज्यों में सर नेटवर्क मिला है गिरोह का? देखिए, कितने राज्यों में लगा? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और यूपी में इनके खिलाफ और भी अन्य राज्यों में मुकदमे पंजीकृत हैं। चोरी की गाड़ी को बिहार में खपाते थे सर ये? देखिए, केवल बिहार ही नहीं, देश के ईस्टर्न पार्ट में नॉर्थ ईस्ट तक के इलाकों में इनकी बेचने की सूचना मिली और उसमें जो भी नेसेसरी लीगल एक्शन है वो किया जा रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन की रिपोर्ट।